आज हमारे समाज की एक सोच है कि महिलाएं सिर्फ किचन और घर तक ही सीमित है। यदि महिला पढ़ी लिखी ना हो तो और बुरी हालत है। लोग सोचते हैं कि क्या करेगी, सोचते हैं लोग कि सिटी में रहने वाली महिलाएं बहुत आगे होती हैं, जबकि गांवों में रहने वाली कुछ नहीं कर पाती अपने जीवन में। वो बच्चों की परवरिश करती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं और वहीं तक उनका एक एरिया सीमित है। परंतु आपकी इस अवधारणा को आज मैं गलत साबित करने वाला हूं। एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जो कम पढ़ी लिखी है और गांव में रहती है, और गांव में रहकर उसने अपने ज्ञान से, अपने हुनर से, अपने जज्बे से वो कारनामा किया है। तो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। इन महिला की जो सालाना है वो 40 से 50 लाख है। आज मैं इसी महिला के बारे में आपको एक एक पॉइंट, इन महिला के जीवन का एक एक पहलू मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं रोहित शर्मा आपका हृदय की गहराइयों से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है वो दबा दें, क्योंकि मैं ऐसे लोगों की वीडियो लेके आता हूं जो लोग अभाव में रहते हुए भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संतोषी देवी के बारे में। इनके जीवन का एक एक पहलू मैं आपको बताऊंगा। संतोषी देवी राजस्थान के सीकर और झुंझुनू जिले की सीमा के बीच स्थित छोटे से गांव बैरी में रहती हैं। संतोष देवी आज बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि इनके पास 1.25 एकड़ जमीन है और उस 1.25 एकड़ जमीन पर सिंदूरी अनार की खेती करके ये लाखों की कमाई कर रही हैं। इनकी जो सालाना आय है वो 40 से 50 लाख के मध्य है। वह बीज जोतने, खाद बनाने से लेकर अनाज को मंडी तक ले जाने का काम खुद करती हैं। आपको मैं बता दूं, जो खेती का गुर है उनको ये खेती का गुर उनके माता पिता से ही विरासत में मिला है। खास बात तो यह है कि प्रतिकूल मौसम और भौगोलिक स्थिति होने के बाद भी उनकी खेती काफी अच्छी हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज लाखों की मालकिन संतोष देवी ने सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है और इनकी जब छोटी सी उम्र थी, कितनी, 15 साल की, तब इनकी शादी एक होमगार्ड की नौकरी करने वाली व्यक्ति से हो गई। और आप जानते हैं कि एक व्यक्ति जो होमगार्ड की नौकरी करता है तो उसकी मासिक वेतन कितना होता है। तो इनके पति का जो मासिक वेतन था वो 3000 रुपये था, और आजकल 3000 रुपये में कुछ भी नहीं होता। संतोषी देवी के सामने बहुत सारी समस्याएं आई, परंतु उन्होंने प्रत्येक समस्या को मजबूती के साथ लड़ा, आत्मविश्वास के साथ लड़ा। सन 2008 में संतोष देवी ने अनार की खेती करने की सोची, तो उनके पास पैसे नहीं थे, अब क्या करें। तो उनके पास एक भैंस थी, उन्होंने भैंस को बेचकर अपने खेत में नलकूप लगवाया। नलकूप लग गया, अब खेतों में बिजली नहीं आती थी तो बिजली के लिए उन्होंने जनरेटर से उसको कनेक्ट करवाया। उसके बाद उन्होंने 220 सिंदूरी अनार के पौधे लगाकर सिंचाई शुरू की। साल 2011 में पौधे फल देने लगे, जिसके बाद संतोष ने उन्हें बेचना शुरू किया। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। फिर संतोष कहाँ रुकने वाली थी, उनका काम बस आगे बढ़ना था। उनको लगने लगा कि अब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि एक आधार जरूरी था और वो आधार उन्हें मिल चुका था। संतोष देवी साथ साथ में अनार के पौधे को भी बेचा करती थी, और लगभग 15000 जो पौधे हैं उनको बेचकर वो 10 से 15 लाख रुपए कमा लेती थी। और आपको मैं बता दूं, जो पौधों के लिए जैविक खाद होता है वो भी वो खुद ही बनाती थी। और यही नहीं, पौधों को कीड़े ना लगे इसके लिए कीटनाशक में गुड़ मिला देती थी, इतना उन्हें ज्ञान था। साथ साथ में संतोषी देवी ने अपने आप को अपडेट रखा। उन्हें पता था कि नया जमाना आ रहा है और नए जमाने के हिसाब से मुझे भी और कुछ बहुत सारे बदलाव करने हैं। तो उन्होंने क्या किया, नए जमाने के हिसाब से किसान संतोषी देवी ने सीकर राजस्थान वुमन फार्मर
नाम से अपनी वेबसाइट भी बनाई है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। उस वेबसाइट पर वो खेती से जुड़ी जानकारी साझा करती हैं। यही नहीं, वे अपने खेती के लिए पारंपरिक के साथ साथ नई हाईटेक तरीके भी अपनाती हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में कन्यादान के रूप में 500 रुपये और बरातियों को अनार के पौधे भेंट किए। ये कितनी मजेदार बात थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि संतोषी देवी की जो सोच है, उस सोच को बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सलाम करते हैं और इन्हीं की सोच के कारण उन्हें कृषि वैज्ञानिक तक का खिताब मिल चुका है। यही नहीं, कृषि मंत्री ने उन्हें 1,00,000 रुपये का इनाम भी दिया है। दूर दूर से किसान उनसे खेती के गुर सीखने आते हैं। ये एक संतोषी देवी का जीवन वर्णन था। लोग सोचते हैं कि मेरे पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। ये सब एक बहाने हैं, क्योंकि कहते हैं किसी काम को करने का कोई बहाना नहीं होता और नहीं करने के हजारों बहाने हो जाते हैं। आपको संतोषी देवी के जीवन से क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट्स करके बताएं। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले भाई, कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशनल, लोगों की मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहता हूं। पता नहीं कौन सी स्टोरी आपको अच्छी लग जाए और आपका जीवन बदल जाए, क्योंकि किसी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए ही, और वो मैं आपको दूंगा। बस आपको जुड़े रहना है मेरे साथ और अपनी प्रतिक्रियाएं मेरे चैनल पर आपको देते रहना है। मिलते हैं फिर एक नए व्यक्ति के साथ, एक नई सोच के साथ। जय हिंद, जय भारत।